विदिशा जिले के पठारी गांव में कोविड 19 का असर आगामी नवदुर्गा महोत्सव पर भी नजर आ रहा है। अब नई गाइडलाइन के तहत झांकियों की स्थापना की जाएगी। यह झांकियां आयोजन के रूप में नहीं बल्कि भक्ति श्रद्धा के रूप में स्थापित होगी। थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रभारी तहसीलदार चंद्र कुमार ताम्रकर ने की, जिसमें उन्होंने नई गाइडलाइन के तहत समझाइश दी। थाना प्रभारी दीपक राठौर ने समिति के सदस्यों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। विदिशा पटारी से कैमरामैन नेत्राम साहू के साथ आशीष सहले की रिपोर्ट। चुनरी यात्रा गरबा चल समारोह गाइडलाइन, कोई भी चुनरी यात्रा का प्रोग्राम नहीं होगा, चल समारोह नहीं होगा और गरबा रावण दहन होता है अपने समिति वाले कोई हो जो नाम से चिन्हित है, जब रात को पेट्रोलिंग ड्यूटी वाले जाएं तो वो ये चिन्हित कर सके कि ये अपने समिति के लोग हैं जो उस मूर्ति के आसपास देख रेख के लिए जुड़े हुए हैं। पंडाल में रजिस्टर भी रखेंगे, इसमें पुलिस जाए करेगी, वो चेक करेगी क्योंकि रजिस्टर सारे जो लोग रात में रुक रहे हैं चेक करेंगे पुलिस। एक रजिस्टर जी, मतलब हर बार स्टैंडिंग निर्देश रहते हैं हर बार शांति समिति की नवरात्रि में कि जो अपन आयोजन कर रहे हैं उसकी पंडाल की हमेशा 24 घंटे देख रेख, वहाँ का मैनेजमेंट जो भी आयोजन समिति है वो अपने हाथ में रखेगी और अन्य अनवांटेड कोई भी व्यक्ति का वहाँ मूवमेंट नहीं रहेगा। दर्शनार्थी आएंगे तो उसकी एक डिस्टेंसिंग की आपकी लाइन रहेगी, उसे दर्शन करेंगे। अच्छा, मंदिर मस्जिदों के संबंध में जो गाइडलाइन है वो यथावत है अपनी पूजा और उसमें, तो मूर्ति को छूना नहीं है। दर्शन करने वाले आएंगे, दर्शन करेंगे और अपने और वहाँ जो स्वयंसेवी लगे रहेंगे वो इस चीज़ को मतलब मेंटेन करें कि कोई चेहरे से देख के पता कर सकते हैं। दूसरा उसका सबसे अच्छा साधन यही है कि जो शासन ने सुरक्षा की गाइडलाइन दी है अपन उसको पालन कर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।